हाय फ्रेंड, कैसे हो? माना कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो बिना बात को इधर उधर गंवाए हम लोग चलते हैं इस टॉपिक पे। आज का ट्रैक है फेसबुक का टॉपिक, कैसे हम लोग अपने फेसबुक पर फॉलो वाला आइकन को लाएं अपने फेसबुक पे। तो बिना बात को इधर उधर गंवाए हम लोग चलते हैं फेसबुक पे अकाउंट पे। ओपन करते हैं फेसबुक अकाउंट, उसके बाद से आप लोग को सिंपल सा है उसे दिखा रहे हैं कि कैसे अपने फेसबुक अकाउंट को फॉलो वाला आइकन लाएँ। तो लाइव प्रूफ आप लोग को दिखाने वाला हूं, तो इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि मेरा हर एक वीडियो आपके पास आता जाता रहे। तो सबसे पहले आप इस वाले आइकन पे दबा दीजिए। चलिए हम लोग दिखाते हैं। तो मेरा एक छोटी सी कंडीशन है, मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं बिना बात को इधर उधर दबाएँ सीधे टॉपिक पर। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, दो सेटिंग है। दो सेटिंग करने के बाद आप लोग आसानी से अपने फेसबुक अकाउंट पे फॉलो वाला आइकन आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सेटिंग प्राइवेसी पर चलते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद तो आएगा हमारे यहाँ एक सेटिंग वाला आइकन। इस सेटिंग वाला पर दाब कर उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन आ गया है। तो बहुत सारे सेटिंग आ गया है, तो इन सब सेटिंगों को नहीं देखना है, हम लोग का जो सेटिंग है वही देखना है। तो आप नीचे आ जाइए और देखिए हमारा ये दिखा रहा है हाउ पीपल फाइंड एंड कॉन्टेक्ट यू। तो यहाँ पहले आइए और इसी तो यहाँ आ जाते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद से हम लोग को फर्स्ट वाला है इस पर देखते हैं। इस पर क्लिक करने बाद आप लोग को एवरीवन नहीं करना है, हम लोग को फ्रेंड ऑफ फ्रेंड ही रहने दीजिए। ये सेटिंग अगर आप लोग को एवरीवन है तो उस पर ना करके फ्रेंड को कर दीजिए। तो हम लोग बैक चलते हैं और उसके बाद से हम लोग आते हैं इस वाले आइकन पे फॉलो एंड पब्लिक कॉन्टेक्ट। इस वाले आइकन पे आकर हम लोग क्लिक करते हैं और उसके बाद से हम लोग देखते हैं नोटिफिकेशन आ गया। तो आप लोग पर अगर फ्रेंड होगा तो फ्रेंड पर ना करके पब्लिक कर दीजिए, तभी तो हमारा फॉलो वाला आइकन आएगा। देखिए हमारे में पब्लिक है, आप भी अपने में पब्लिक कर दीजिए। इसमें भी पब्लिक है और उसमें भी पब्लिक है, और नीचे आइए इसमें भी पब्लिक है और ये इसमें आकर देख लीजिए, इसमें पब्लिक ना होकर एवरीवन है। आप लोग को इसमें रहना करना पड़ेगा एवरीवन में और उसके बाद से पब्लिक वाला आइकन इस पर कर दीजिए। और उसके बाद से अगर आप लोग को ये ऑन नहीं है, ऑफ है, तो इसे प्लीज़ ऑन कर दीजिए, ऑन कर दीजिए, ऑफ नहीं रहना चाहिए। तो हम लोग बैक आकर अपने में देख लेते हैं अपने प्रोफाइल में कि हम लोग का आइकन वो आ गया है कि नहीं फेसबुक वाला। तो हम लोग क्लिक करते हैं अपने फेसबुक अकाउंट पे, ये हमारा फेसबुक अकाउंट, यहाँ क्लिक करेंगे। तो हम लोग में दिखाई तो नहीं दे रहा है फेसबुक वाला आइकन पे अभी फॉलो वाला ऑप्शन, तो आप लोग को दिखाई देने के लिए तो ये थ्री डॉट का बटन दिख रहा है, इस पर दाब, तो थ्री डॉट का ये बटन है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो हम लोग का थर्ड नंबर है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से हम लोग देखते हैं फॉलो वाला आइकन आ गया। तो प्लीज़ आप लोग भी इस ट्रिक को अपनाइए और फॉलो वाला आइकन आ गया। देखिए अब हमारा देख सकते हैं कि मेरा फेसबुक अकाउंट कितना अच्छा दिख रहा है। तो फ्रेंड देख ही लिए हम, तो फ्रेंड देख रहे हैं कि हमारा फेसबुक अकाउंट में फॉलो वाला आइकन आ गया। तो आप भी इस ट्रिक को अपनाइए और सिंपल सा ट्रिक है और अपनाइए और अपना फॉलो वाला आइकन लाइए। तो मेरे वीडियो पसंद आए तो मैं ज़्यादा आप लोग से नहीं कहूँगा, प्लीज़ एक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल का वीडियो को लाइक कर दीजिए। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगला मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ इससे भी एडिक्टिव और फेसबुक पर ही लेकर आऊँगा।